चोट के ऊपर ये बिजनेस आपको दिन के 15,000 रूपए कमा के देगा। हम चलाएंगे, 10,000 रूपए का गल्ला रहेगा, 600 रूपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रूपए दिन आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही। बिजनेस नहीं है, नोट छापने की मशीन है, 800 रूपए का आता है, यहाँ पर ये आपको 200 रूपए से कम में पड़ जाएगा। 5,000 लगाओ, 1,00,000 कमाओ। दोस्तों, प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है कि कंपनी खुद दावा कर रही है कि यदि मार्केट में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो कंपनी आपसे बना बनाया माल ले लेगी। आपको बेवकूफ बनाया जाता है। एक बूंद का डेमो दिखाओ और 5,000 रूपए पर घंटे कमाओ। इस फ्रेंचाइजी में है लाखों कमाने का मौका। दूसरा, किसी को कोई प्रॉफिट की या कमाई की इतनी की कोई गारंटी नहीं दी गई है, ना कभी दे सकता है, तो उस चीज को भी आप लोग समझो। दोस्तों नमस्कार, आपका समय नहीं जाने देंगे बेकार, तो इस वीडियो में दे दीजिए थोड़ा सा ध्यान, जिससे कि आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले नहीं होना होगा परेशान। जय हिंद, वंदे मातरम। आज बताएंगे जितने भी लोग बिजनेस रिलेटेड कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं, हमेशा उनके थंबनेल में देखा होगा 5,000 लगाओ, 1,00,000 कमाओ, बिजनेस नहीं है, नोट छापने की मशीन है, या बिजनेस कर लो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, इस फ्रेंचाइजी में है लाखों कमाने का मौका, पानी की तरफ पैसा बहेगा इस बिजनेस में। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखता है, और 90% जो लोग इन वीडियो को देखकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं सिर्फ 1 साल में ही अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, और ज्यादातर लोग अपना अच्छा खासा पैसा भी गंवा देते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके अंदर इतनी समझदारी जरूर डेवलप हो जाएगी कि कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, या आपकी जेब से पैसा निकाल पाना इतना आसान नहीं होगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आप बेवकूफ बनते हैं या आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो आंसर है नंबर 2, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाने का मन बना लेते हैं तो आप उस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें आपकी मदद करता है YouTube, और जैसे ही आप सर्च करते हैं फॉर एग्जाम्पल कम पैसे में कौन सा बिजनेस शुरू करें, तो आपकी स्क्रीन पर सैकड़ों वीडियो सर्च किए हुए टाइटल से आ जाते हैं, और आपको लगता है जिस बिजनेस की तलाश कर रहे थे वह मिल गया, और आप लगभग 7-8 वीडियो देखते हैं, और सभी वीडियो में उस बिजनेस के बारे में या उस फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से YouTube गुरुओं द्वारा उस बिजनेस का सिर्फ एक पक्ष यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और आपको लगने लगता है बस इसी बिजनेस की तलाश थी। आप बिजनेस आइडिया को कम समझते हैं और उस वीडियो को मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यू और लाखों सब्सक्राइबर वाला चैनल देखकर आप उस यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने का मन बना लेते हैं, क्योंकि आप उस बिजनेस से ज्यादा उनकी बातें और बातों से भी ज्यादा उनके द्वारा बताए गए प्रॉफिट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वीडियो के अंत में यूट्यूबर यह भी कह देता है कि अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जब आप फोन करते हैं तो आपको बताया जाता है बस कुछ पैसे मतलब नॉमिनल फीस देकर आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, और हम आपकी पूरी तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद भी कराएंगे, और साथ ही साथ आप जिस बिजनेस को करने गए थे उसके अलावा नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बताई जाती है, क्योंकि बिजनेस में उस यूट्यूबर का उन कंपनियों के साथ सर्टेन अमाउंट का कमीशन फिक्स होता है, और सबसे ज्यादा कमीशन जिस कंपनी या जिस फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजर से मिलता है उस यूट्यूबर की सेल्स टीम उसी बिजनेस मॉडल को सेल करने पर ज्यादा जोर देती है। आपको यूट्यूबर की सेल्स टीम द्वारा ज्यादा प्रॉफिट दिखाकर किसी और बिजनेस या फ्रेंचाइजी की तरफ मोड़ दिया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, और आपको लगता है कि इतने बड़े यूट्यूबर और उनकी टीम ने रिकमेंड किया है, इस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट है, और आप उस बिजनेस को स्टार्ट करने का मन बना लेते हैं, और स्टार्ट करने के बाद पता लगता है यूट्यूबर द्वारा वीडियो में या सेल्स टीम द्वारा टेलीफोनिक कॉल द्वारा जैसा बताया गया था वैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। फिर आप कंपनी के कस्टमर सपोर्ट में कॉल करते हैं, यूट्यूबर के सेल्स टीम को कॉल करते हैं, और आपको सभी जगह से रिस्पॉन्स सिर्फ यही मिलता है थोड़ा और इंतजार कीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, फैसला तो आपने ही लिया है इस बिजनेस को करने का, हमने तो सिर्फ बिजनेस का आइडिया दिया था, हम तो आपको पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं, और आपने लोकल मार्केट में इस बिजनेस का सर्च किया था कि इसकी कितनी डिमांड है। अब बिजनेस आइडिया देने वाले बाबा की कुछ बातें आपको याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था बिजनेस के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, कुछ समय और देने के बाद भी जब बिजनेस नहीं चलता है और पूरी तरह बर्बाद होने के बाद थक हार कर आप अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, इसमें फंसने वाले लोग मुख्य रूप से वह नहीं होते जिनका पुराना बिजनेस है या जिन लोगों को बिजनेस की समझ है,
इसमें फंसने वाले मुख्य रूप से कम पैसे वाले लोग या कम पूंजी लगाकर ज्यादा कमाई के सपने दिखाए गए लोग होते हैं। चलिए जानते हैं इसका दूसरा पार्ट, आखिर ऐसा क्यों होता है। एक नहीं बहुत से कारण है। आपने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया उसके पहले आपने अपने एरिया में उस बिजनेस का सर्वे कम किया और उस वीडियो के व्यूज पर ज्यादा ध्यान दिया और यूट्यूबर की बातों पर भरोसा किया। साथ ही साथ कमेंट में सभी यही कह रहे थे, सर जी क्या बिजनेस आइडिया बताया है, आपको लगने लगा सभी लोग इसी बिजनेस की तारीफ कर रहे हैं, मतलब बिजनेस बिल्कुल सही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा क्योंकि जितने भी लोग उस वीडियो पर कमेंट कर रहे थे वो लोग भी नए रोजगार की तलाश कर रहे थे और उनके पास भी बिजनेस का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था। अब बात करते हैं आखिर बिजनेस गुरु ऐसा करते क्यों हैं। डिस्कशन में सब कुछ पता लग जाएगा। जितने भी बिजनेस आइडिया देने वाले बिजनेस गुरु हैं इनमें से शायद ही किसी ने बिजनेस रिलेटेड कोई पढ़ाई की है। अगर पढ़ाई ना भी की हो तो कोई बात नहीं, किसी तरह के बिजनेस फैमिली से आते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर इन बिजनेस गुरुओं से पूछा जाए आप लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया हैं तो आप अपना बिजनेस बताइए, आपके पास कौन कौन सा बिजनेस है, हम आप वाला ही बिजनेस कर लेंगे। तो आपको पता चलेगा इनके पास किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं है और ना ही दूर दूर तक इन यूट्यूबरों का किसी बिजनेस से वास्ता है। तो आखिर यह बिजनेस का ज्ञान दे कैसे रहे हैं, वह भी थोड़ा मोड़ा नहीं, लाखों कमाने वाले बिजनेस आइडिया। तो चलिए अभी बताते हैं, अगर आप इनसे बिजनेस के टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे तो पता चलेगा इन्हें तो बिजनेस का बी भी नहीं पता है। आप इनसे किसी भी तरह का बिजनेस रिलेटेड टर्म्स पूछ कर देख लो या बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। 99.99% YouTube बिजनेस गुरुओं का यही हाल है। आखिर यह ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इनका काम है आपको नए नए बिजनेस आइडिया दिखाकर अपना घर चलाना। इनमें से ज्यादातर बिजनेस आइडिया देने वाले गुरुओं का जन्म हुआ है कोरोना पेंडेमिक में, जब इनको नौकरियों से निकाल दिया गया, या वो युवा जिनको किसी तरह की अच्छी खासी नौकरी नहीं मिली या जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए वह YouTube पर बिजनेस आइडिया देने वाला बिजनेस गुरु बन जाते हैं। और कपड़ा बेचने वालों का, बर्तन बेचने वालों का, चॉकलेट बेचने वालों का, प्लास्टिक सामान बेचने वालों का वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वीडियो की मात्रा बढ़ती है तो सब्सक्राइबर की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है और कल तक गली गली घूमने वाला लड़का लोगों का रोल मॉडल बनने लगता है। और अब यह दुकानदारों से भी अपने सब्सक्राइबर के दम पर वीडियो बनाने के लिए पैसे की डिमांड रखता है और जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बेस होता है उतना ज्यादा पैसे लेकर ये यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं और जिन लोगों से पैसा लेते हैं उनके बदले में अपने वीडियो के माध्यम से उस प्रोडक्ट या सर्विस की तारीफ करते हैं। इन्हें भी पता होता है इतना ज्यादा प्रॉफिट किसी भी बिजनेस में इतने कम इन्वेस्टमेंट में नहीं हो सकता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो ना हो लेकिन इनका काम है उसकी तारीफ करना और ये कहना अरे वाह क्या बात है हर प्रोडक्ट को देखकर। इस तरह का झूठा दिखावा करके लोगों को प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करवाते हैं और गुमराह करते हैं। मगर क्या करें, अगर कंपनी और प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करेंगे तो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो कंपनी इनको पैसे नहीं देगी। अगर मान लेते हैं पैसे दे भी दिया गया तो नेक्स्ट टाइम इनको वीडियो बनाने के लिए नहीं बुलाएगी और वीडियो नहीं बनेगा तो इनको स्पॉन्सर कौन करेगा, स्पॉन्सर नहीं मिलेगा तो इनका घर कैसे चलेगा। और आपको फायदा दिखाकर यह अपना बिजनेस करते हैं, इस पूरे खेल में बलि का बकरा बनता है एक आम इंसान जिसको किसी तरीके का कोई बिजनेस आइडिया नहीं है। उसे लगता है इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है और इनको काफी ज्ञान होगा क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये जितने भी यूट्यूबर मार्केटिंग वीडियो बनाते हैं इनके पास किसी तरह का बिजनेस आइडिया या टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। इनका काम होता है एक एडवर्टाइजर की तरह अपने चैनल के थ्रू उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का प्रचार प्रसार करना और जितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं उतना ज्यादा लोग फंसते चले जाते हैं और कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा यूट्यूबर को वीडियो मिलता है और पैसे भी। इसलिए मार्केटिंग फील्ड के वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर के भरोसे कभी बिजनेस स्टार्ट मत करिएगा। इनके वीडियो सिर्फ कस्टमर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को मिलवाने का साधन मात्र हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।